14 साल हो गए हैं एक बात को, ये बात 2004 में हुई थी जब विवेक ओबेरॉय के ऊपर गाज गिरी थी भाईजान सलमान खान की। आज विवेक ओबेरॉय दोस्तों फिल्म लेकर आ रहे हैं जिसका नाम है पीएम नरेंद्र मोदी, जो कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर है। ऐसे में आजकल मीडिया इंटरेक्शन के दौरान विवेक ने एक बहुत बड़ी बात का खुलासा किया है और कह दिया है कि मैं अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करता हूं। और किसने कहा मैं इंडस्ट्री से गायब हो गया? हाँ, मेरा करियर थोड़ा सा धीमे पड़ गया था, लेकिन यस, मैं इंडस्ट्री से गायब नहीं हुआ हूँ। नमस्कार, मैं हूँ राहुल बोस, स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल में। बात करना चाहता हूँ 2004 में क्या हुआ था। हम सब जानते हैं दोस्तों कि 2004 में एक बहुत बड़ी बात हुई थी जब भाईजान सलमान खान की गाज गिरी थी विवेक ओबेरॉय के ऊपर। ये पूरा मैं आपको फ्लैशबैक करवाता हूँ, उसके बाद मैं बताऊँगा कि विवेक ओबेरॉय ने क्या कहा। तो ऐसे में आपको बताना चाहता हूँ कि विवेक ओबेरॉय ने आनंद फानंद में 2004 में एक प्रेस मीट बुला दिया था, जहाँ पर उन्होंने भाईजान सलमान खान के खिलाफ बहुत सारी ऐसी ऐसी बातें कही थी जो कि आपत्तिजनक थी और सभी लोग ये बात सुनकर हैरान हो गए थे। इनफैक्ट भाईजान सलमान खान दोस्तों बहुत ज़्यादा नाराज़ है। मीडिया में या फिर अवार्ड फंक्शंस के दौरान विवेक ओबेरॉय ने सलमान खान से माफ़ी भी मांगी, लेकिन विवेक ओबेरॉय को माफ़ी देने के बिल्कुल भी इरादे में नहीं है भाईजान सलमान खान, क्योंकि एक बार उन्होंने जो कमिटमेंट कर ली तो उसके बाद तो वो खुद की भी नहीं सुनते। ऐसे में आपको बताना चाहूँगा कि ये जो सितारा था यानी कि विवेक ओबेरॉय बढ़ रहा था आगे, अपनी रफ्तार में था, चाहे साथिया ले लीजिए, कंपनी ले लीजिए या फिर कोई भी इनकी फिल्म ले लीजिए, दर्शक इनकी फिल्मों को पसंद कर रहे थे, दर्शक इन्हें कहीं ना कहीं सुपरस्टार्स के साथ कंपेयर कर रहे थे और कह रहे थे कि लो भाई, इंडस्ट्री में एक नए सितारे का जन्म हो गया है। विवेक ओबेरॉय की झोली में बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट थे जो कि विवेक ओबेरॉय को एक अलग लेवल पे लेके जाते, लेकिन उनकी इस गलती के चक्कर में उन्होंने अपने हाथों से कई बड़े अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स और अपॉर्चुनिटीज़ को गवा दिया। इनफैक्ट विवेक ओबेरॉय खुद इस बात का रिग्रेट करते हैं और कहते हैं कि हाँ, मेरे से गलती हुई थी, मैं उसका पश्चाताप भी कर चुका हूँ और साथ ही साथ मैं माफ़ी भी मांगता हूँ काफ़ी बार। लेकिन यहाँ पर मामला इतना ही ठंडा नहीं होता है। विवेक ओबेरॉय के अगर आप करियर को देखेंगे दोस्तों, तो उनका करियर ग्राफ कहीं ना कहीं उससे डगमगाया था। उस घटनाक्रम के बाद काफ़ी प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स ने विवेक को रातों ही रात ब्लॉक कर दिया था। ये बात उन्होंने खुद फराह खान के सामने इंटरव्यू में बोली, और क्योंकि ये कॉन्सिक्वेंसेस थे, सलमान खान के साथ झगड़ा करना और सलमान खान के साथ रहना दो अलग अलग चीज़ें हैं। अगर आप भाई जी के साथ हैं तो आपका करियर कहीं भी नहीं जाएगा और आपको फिल्म पे फिल्म मिलेगी और आप एक अलग लेवल पे पहुंचेंगे। ऐसे में आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, मैं विवेक ओबेरॉय ने अभी रिसेंटली पीएम नरेंद्र मोदी के इंटरव्यू के दौरान एक बात कही है कि हाँ, मैं जानता हूँ 2004 से मेरा करियर थोड़ा सा स्लो चला है, बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं घर में बैठा। मैंने 6 अलग अलग भाषाओं में काम किया है। इंडिया में अगर बात करें तो हिंदी के अलावा उन्होंने तमिल, तेलुगू, कन्नड़, हर एक भाषा में काम किया। उन्होंने 20 से ज़्यादा अवार्ड्स जीते हैं अपने इतने करियर के टाइम पे, और साथ ही साथ वो अभी खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं, उनकी झोली में अच्छे खासे प्रोजेक्ट्स हैं और वो अपनी फैमिली के साथ एक क्वालिटी टाइम भी स्पेंड करते हैं। क्या ये विवेक ओबेरॉय का जवाब है सलमान खान को? क्या विवेक ओबेरॉय उन हेटर्स को दिखाना चाहते हैं जो कि विवेक ओबेरॉय से हेट करते हैं कि देखो भाई, मैं भूखा नहीं मरा हूँ, मैं आज भी काम कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा? वेल विवेक, आपको ऑल द वेरी बेस्ट, और आपकी ये जो फिल्म आ रही है उसके लिए भी आपको ऑल द वेरी बेस्ट। होप यू विल डू वेल, एंड आप बहुत बेहतरीन एक्टर हैं, शानदार एक्टर हैं, बट अपॉर्चुनिटीज़ की थोड़ी सी कमी है। तो हम यहीं आपके लिए दुआ करेंगे कि आपको जल्द से जल्द कुछ अच्छा प्रोजेक्ट मिल जाए। तब तक के लिए दोस्तों, आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में विवेक ओबेरॉय के इस कथन के बारे में, उन्होंने ये जो बात कही, कमेंट सेक्शन आपका है, ज़रूर बताइएगा। बने रहिए मेरे साथ, मैं राहुल भोज अपडेट्स करता रहूँ।